हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 1 नवंबर 2020। तो आइए जानते हैं 1 नवंबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आरोग्य वन आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किए हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल के जयंती के अवसर पर इन्होंने गुजरात का दौरा किया था, और इस गुजरात दौरे के दौरान इन्होंने इन्होंने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर उद्योग को उद्घाटन किए थे। और यहीं पर आपको एकता मॉल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं, यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 2014 से ये शुरू किया गया, 2014 से ये मनाने की शुरुआत किया गया, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। तो हाल ही में गुजरात दौड़ा गए थे, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और उसी जयंती पर वहां उपस्थित हुए थे, और उसी उपस्थिति के दौरान उन्होंने कवाड़िया कवाड़िया से अहमदाबाद अहमदाबाद के बीच सी प्लेन यानी समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किए थे। यानी जो कवाड़िया से अहमदाबाद के बीच जाएगी सी प्लेन, इसका उद्घाटन किए हमारे प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर 2020 को। तो ये 2 दिवसीय दौरा था जो गुजरात गए थे हमारे प्रधानमंत्री। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट को किस रॉकेट के सहायता से लॉन्च किया जाएगा? तो ये खासकर इसके लॉन्च करने का मकसद है LOC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन पर अपने सीमा की निगरानी करने के लिए इस सेटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। इसके साथ 9 व्यावसायिक सेटेलाइट भी लॉन्च किया जाएगा। आपको 7 नवंबर 2020 को ये लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। और यहीं से लॉन्च किया जाएगा 7 नवंबर 2020। और यह जिस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जिस यान का नाम है PSLV-C49। PSLV का मतलब होता है फुल फॉर्म पोलर सेटेलाइट लंच व्हीकल। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है PSLV का फुल फॉर्म। तो पोलर सेटेलाइट लंच व्हीकल यान से ये आपको EOS-01 सेटेलाइट को लंच किया जाएगा। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा बनाया गया है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसका स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं KC1 इसरो का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा 9 विकसित सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन है, यानी हमारी नौ सेना यानी आर्मी साइबर जो ग्रुप है उसके द्वारा बनाया गया है, खासकर जिस तरह हम लोग व्हाट्सएप से एक से दूसरे व्यक्ति को मैसेज करते हैं, तो मैसेज करने के दौरान हमारे बीच में जो डाटा था, डाटा को पहले सेना के डाटा को हैक कर लिया जाता है। उस हैक से बचने के लिए कि सेना क्या बात कर रहा है, उस हैक से बचने के लिए हमारे आर्मी ने एक स्पेशल बनाया है सुरक्षित मैसेजिंग ऐप जिसका नाम है साई। साई कहने का मतलब सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट नाम है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये जो है ये सेना के लिए ही केवल है, ये सेना के द्वारा ही इस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा सकता है। सेना के द्वारा मैसेज करना, एक दूसरे से बात करना, ये सब कुछ कर सकता है। और यहाँ से इस मोबाइल में जाने के दौरान बीच का जो डाटा है ये आर्मी के पास ही रहेगा, क्यों क्या बात किया, कितने बजे बात किया, ये पूरी डाटा उसके पास अब सिक्योर रहेगी। पहले जैसे हम लोग बात करते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक से, तो ये मैसेज दूसरे भेजते हैं, इस डाटा को हैक भी कर लेता है लोग और इसकी जानकारी भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए सेना के लिए स्पेशल ये बनाया गया है और खुद भारतीय सेना यानी आर्मी के द्वारा ये बनाया गया है, जबकि नौसेना और वायुसेना के लिए बनाने की काम अभी चल रही है। जल्द ही उसका भी अपना एप्लीकेशन आने वाला है, क्योंकि वर्तमान में व्हाट्सएप और फेसबुक को प्रयोग करने से सेना को क्या कर दिया गया था, बंद करवा दिया गया था। इसीलिए सेना ने अपना एक एप्लीकेशन शुरू किया जिसका नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, जिसे शॉर्ट में कहेंगे साई, और ये सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो किसके साथ मिलकर एक बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड, यानी बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड जिस तरह आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड उसी तरह आपको मेट्रो सर्विस कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड का प्रयोग आप DMRC में कर सकते हैं। और ये किस बैंक के साथ मिलकर किया है, तो SBI के द्वारा मिलकर किया गया है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी वर्तमान CEO जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है दिनेश कुमार खाड़ा, उन्हीं के द्वारा ये किया गया है और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ ये किया गया। किसके लिए, तो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो सर्विस सेवा के लिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है, ये धरनी पोर्टल लॉन्च करने के मतलब जिस तरह धरने की बात कर रही, तो ये संपत्ति या जो जमीन का है उसके पंजीयन कराने के लिए, पंजीयन करने में जो दिक्कत आती है वो आसानी से इस पोर्टल के द्वारा ये सुलझा लिया जाए, इसीलिए ये लॉन्च किया गया है आपको तेलंगाना सरकार के द्वारा, यानी के चंद्रशेखर राव यहाँ के CM है, इन्हीं के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। देखिए तेलंगाना राज्य का गठन आपको 2 जून 2014 को हुआ था, 2 जून 2014 को इस तेलंगाना राज्य का गठन हुआ जिसकी राजधानी हैदराबाद है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014 को। अभी उड़ीसा में भी आप देखे होंगे मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था बिजली जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए। उसके अलावा यहां पर भी सुमंगलम पोर्टल लॉन्च किया गया था अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए। छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया गया था, और तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में युवा अधिवक्ता पोर्टल लॉन्च किया गया था। ऐसे युवा जो आपको LLB करने के बाद जो प्रैक्टिस के दौरान उनको 3,000 रुपया मासिक देने के लिए युवा अधिवक्ता एक पोर्टल लॉन्च किया गया था आपको तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और आंध्र प्रदेश में हाल ही में बीनी उत्सव मनाया गया था आपको कुरनूल में, जो चर्चा में बना हुआ था क्योंकि धारा 144 लगने के बावजूद भी लोगों ने इस उत्सव को मनाया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न है कि फेनी पुल जो हाल ही में चर्चा में रहा है भारत के किस देश को जोड़ेगा। तो ये फेनी पुल है जो फेनी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? ये फेनी नदी पर ही बनाया गया है और यह पुल का उद्घाटन किया गया था, शुरुआत किया गया था 2015 में। इसकी शुरुआत कब किया गया था? 2015 में किया गया था हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और यह दिसंबर 2020 में बन के तैयार हो जाएगा और ये बन जाने से त्रिपुरा के सबरूम से आपको बांग्लादेश के रामस्टी रामगढ़ है, क्या है, रामगढ़ के बीच ये नदी पर ही क्या बनाया गया, पुल बनाया गया है। पुल बन जाने से भारत के बांग्लादेश के रामगढ़ और त्रिपुरा के बीच एक पुल बन जाने से सीधे क्या हो जाएगा, संपर्क स्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपर्क स्थापित हो जाएगा। ऐसे भी याद रखेंगे बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच फेनी नदी ही सीमा का बंटवारा करती है और सीमा का बंटवारा कौन करती है, तो फेनी नदी ही बंटवारा करती है और फेनी नदी कहाँ है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच है। इसी नदी के बीच क्या बनाया गया, पुल बनाया गया बांग्लादेश का। बांग्लादेश 2021 में अपनी 2021 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगा, 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को भी क्या किया है, निमंत्रित किया है यानी बुलावा भेजा गया है, क्योंकि भारत के ही सहयोग से 1971 ईस्वी में बांग्लादेश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश और भारत के नौसेना के बीच हाल ही में संप्रीत नौसेना अभ्यास हुआ आपको बंगाल के खाड़ी में, कहाँ हुआ, बंगाल के खाड़ी में हुआ था। म्यांमार से याद रखिए, म्यांमार में जो सितवे बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह का भारत का प्रयोग करेगा और ये कलकत्ता से सितवे बंदरगाह के बीच सीधे एक नौसेना मार्ग बन जाएगा जहां से पानी जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जुड़ सकता है। कलकत्ता बंदरगाह से सितवे बंदरगाह तक भी क्या हो जाएगा, एक रास्ता बन के तैयार हो जाएगा और इधर एक पुल बन जाने से बांग्लादेश से भी संपर्क स्थापित हो जाएगा आसानी से, क्योंकि और म्यांमार को अभी हाल ही में भारत ने एक नौसेना पनडुब्बी सिंधु वीर आपको लीज पर दिया है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में किस राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू किया है। बाजार हस्तक्षेप करने का मतलब आपको किसान के द्वारा उत्पादन सामानों के लिए एक बाजार हस्तक्षेप योजना की शुरुआत किया गया है। खासकर ये बाजार हस्तक्षेप किया गया है सेब उत्पादन किसानों के लिए, यानी सेब उत्पादन करने वाले किसानों के लिए कि उनकी उचित मूल्य मिल सके, इसलिए शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यह योजना केंद्र सरकार की हो गई, यह योजना किसकी हो गई, केंद्र सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया। जबकि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है, मनोज सिन्हा के द्वारा ये शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य के रूप में था जब 370 और 35A की समाप्ति के बाद जो इसका अलग संविधान था वो रद्द हो गया और भारत सरकार के पूर्णतः ये संविधान इस देश राज्य में भी लागू हो गया। तो इस तरह ये देश का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। तो एक केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को और जम्मू कश्मीर से ही एक अलग हिस्सा बनाया गया लद्दाख और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। तो लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश ही है और इसमें दो जिला है, कारगिल और लेह। इसकी राजधानी लेह है और इसकी राजधानी श्रीनगर है और श्रीनगर में हाल ही में जैविक सब्जी बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है। और असम में आपको किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, किसानों को उत्पादित वस्तुओं को आसानी से बेचने के लिए शुरू किया गया था। जबकि केरल राज्य जो है अपने किसानों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए
खासकर सब्जियों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए एमएसपी शुरू किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है, करने वाला ये पहला राज्य बना है केरल, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये जितने भी सब्जी का उत्पादन होगा उसका 20% ये एमएसपी तय करेगा, यानी कहने का मतलब 100 रुपया लागत लगी है उसका 20% उस पर एमएसपी अलग से तय कर देगा, यानी वो 120 रुपया उसका क्या हो जाएगी, कीमत हो जाएगी। तो एमएसपी लागू किया कौन, केरल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है। तो मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है आपको यशोवर्धन कुमार सिन्हा को, यही है आपको यशोवर्धन कुमार सिन्हा जिन्हें भारत का नया सूचना आयुक्त बनाया गया है। मनोज सिन्हा जो है ये आपको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ग्रीष्म मुम जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष है, यानी इसे कैग कहते हैं। तो ये क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष कौन है, ग्रीष्म मुम। जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ प्रमुख है एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हांसदा का निधन हो गया। तो ये है पश्चिम बंगाल के, यानी पश्चिम बंगाल के आपके विधानसभा अध्यक्ष से आपको सुकुमार हांसदा जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो इसको याद रखेंगे। और पश्चिम बंगाल के सीएम है आपके ममता बनर्जी और आपको जगदीप धनखड़ जो है ये यहाँ के गवर्नर है, याद रखेंगे। यहाँ हाल ही में प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत किया गया था, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत किया गया था, पथश्री योजना जो बहुत ही प्रचलित था, पथश्री योजना यानी रोडों सड़कों को मुरम्मत करने के लिए शुरू किया गया था, कृषक बंधु योजना यहाँ पे शुरू किया गया था पश्चिम बंगाल में। गुजरात से याद रखें, गुजरात में हाल ही में यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था केशुभाई पटेल, क्या नाम था, केशुभाई पटेल, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो केशुभाई पटेल गुजरात के थे आपको, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनकी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। कर्नाटक के भी एक रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगड़ी, क्या नाम था, सुरेश अंगड़ी, जिनको हाल ही में 2020 में ही इनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो सुरेश अंगड़ी भी जो थे कर्नाटक में थे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। बिहार से याद रखेंगे केंद्रीय सार्वजनिक उपभोक्ता खाद्य एवं वितरण मंत्री जो थे हमारे रामविलास पासवान, इनका भी अभी हाल ही में क्या हो गया, मृत्यु हुआ था, जो बिहार के थे। तो कुछ चर्चित नाम है जिसे याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब है कि किस बैंक ने जापान के अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक है जो इंटरनेशनल जो बैंक है जापान का, वो कि भारत के किस बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो वह बैंक है भारत का SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। ये भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और इसके CEO या MD जो है वो दिनेश कुमार खाड़ा है। तो यही इसके साथ समझौता किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर था 1 नवंबर 2020 से, जिस पर हमने चर्चा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।